चलती ट्रेन की घटनाओं को नज़रअंदाज ना करें। ट्रेन में कभी भी बैठें तो गेट पे आके उसका हथकड़ी पकड़ के ना लटके, आप सुरक्षित रहें, सही रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। खबर सीधा आप तक। के नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से मचा हरकंप। आप सभी को पता है कि आए दिन लूट, मर्डर, एक्सीडेंट आदि मानो आम बात हो गई हो, लेकिन सरकार इसके ऊपर नजर भी नहीं देती। अगर सरकार इस क्राइम के ऊपर ध्यान देती तो आम जन सुरक्षित रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चुनाव कराना हो तो कोरोना को मना कर दिया जाता है कि तुम भीड़ में मत आना, क्योंकि वहां हम रैली करने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सरकार कर रही है अनदेखी। आइए आपको लिए चलता हूँ के नगर थाना और बनिया पट्टी के बीच रेलवे पटरी के नीचे एक अज्ञात शव दिखा। ये सब देखने के बाद गांव वालों में हरकंप मच गई और अभी तक शव का पहचान नहीं हुआ। सूचना मिलने पर के नगर थाना प्रहरी वहां पहुंचे और खोजबीन जारी कर दिए, जिसमें कि अभी तक कोई कुलू हाथ नहीं लगा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इस व्यक्ति को मार के फेंक दिया गया या फिर रेलवे द्वारा इसका मौत हो गया। बोला जाए तो कहीं रेलवे के बोगी से बाहर धकेल दिया गया हो, या फिर ऐसा कहें कि छीना झपटी में कोई चोर को कोई धकेल दिया हो, लेकिन ये सारा सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है। जबकि लाश को 2 से 3 दिन हो गया है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। ये देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। वही लोग देखे और पैखाना उखाना करने के लिए, यहाँ पानी है, पानी में पैखाना करने के लिए बगल में आए थे, वही देख के हम लोगों को खबर किया। जो ऐसे से बात है, रेलवे बगल में एक तो लाश पड़ा हुआ है जिसका गमछा से मुंह बंधा हुआ है। अच्छा, तब ये बताइए लाश का क्या हाल है? सर गया है उसको, थोड़ा सा आप लोग जाके देखिए। हम बोले ठीक है, हम जाते हैं देखते हैं। पब्लिक सब भी आया देखने के लिए पूरा मोहल्ला का, तो हम लोग थाना वाला को, मीडिया वाला को। इस चैनल का कोशिश है कि सीधा खबर आप तक पहुंचे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।